गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई थी, जिससे देवराज इंद्र कुपित हो उठे थे। उन्होंने मूसलाधार वर्षा आरंभ करवा दी थी। उस विनाशकारी वर्षा से ब्रिजवासियों को बचाने के लिए मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। सुना है आपने उस विशाल पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया था, जिसे देखकर देवराज इंद्र भी कंपित हो उठे थे। किंतु प्राणवल्लभ, आपके उस महापराक्रम में हनुमान की भी लीला थी क्या? हाँ मित्रविंदा, उस लीला के पार्श्व में हनुमान का ही एक वचन था, जो त्रेता युग में हनुमान ने गोवर्धन पर्वत को राम सेतु निर्माण के लिए ले जाते समय दिया था। मैं आपको वचन देता हूँ कि प्रभु स्वयं आपका स्पर्श करेंगे पर्वतराज गोवर्धन, तत्पश्चात ही आपको सेतु का भाग बनाया जाएगा। तो क्या गोवर्धन पर्वत पूर्व काल में किसी अन्य स्थान पर स्थित था क्या? हाँ प्रिय मित्रविंदा, सेतु निर्माण हेतु सभी वानर आदि दूर दूर से शिलाएं लेकर आए थे। हनुमान भी सुदूर उत्तर ईशा की ओर जा पहुंचे, जहाँ गोवर्धन पर्वत स्थित था। वचन देने के पश्चात जब हनुमान गोवर्धन पर्वत को अपनी हथेली पर रखकर ला रहे थे, तो उन्हें वहां पहुंचने के पूर्व ही सेतु निर्माण पूर्ण होने के संकेत मिल गए। अतः उन्हें गोवर्धन पर्वत को मार्ग में ब्रिज भूमि में ही उतारना पड़ा, क्योंकि श्री राम ने सबको निर्देश दे रखा था कि सेतु का निर्माण होते ही जो जहां है वो उन शिलाओं को वहीं छोड़ दे। इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि गोवर्धन पर्वत को ब्रज भूमि में हनुमान ने ही स्थापित किया था। हाँ सत्यभामा, त्रेता युग में अपने भक्त हनुमान को दिए हुए वचन को आपने स्मरण रखा स्वामी, और उस वचन का निर्वाहन आपने द्वापर युग में किया। श्रेष्ठ भक्त के हर वचन हर कृत्य से भगवान को जुड़े रहना होता है प्रिय, इसलिए ना तो मैं उनको दिया हुआ वचन भूला और ना ही हनुमान भूले। और जब मैंने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो हनुमान स्वयं भी उस लीला के साक्षी बने। तत् वचन भगवान निभाया, स्पर्श हरि पर्वत को दिलाया, धन्य प्रभु राम जय जय कन्हैया, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा। हे महाभक्त हनुमान, आपके दिए हुए वचन के कारण ही आज मुझे प्रभु के अवतार के रूप में प्रभु श्री कृष्ण के स्पर्श का एवं उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद हनुमान जी। ये आपका ही नहीं, मेरा भी सौभाग्य है पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन, जो प्रभु ने अपने तुच्छ सेवक हनुमान के वचन का मान रखा। ये जगत आपको प्रभु की इस उत्तम सेवा के लिए सदियों तक पूजता रहेगा। प्रभु श्री कृष्ण, आपने मेरे दिए हुए वचन को तो निभा दिया, अब मेरी एक तुच्छ इच्छा और पूर्ण कर दीजिए। वर्षों से ये नेत्र आपके श्री राम रूप के दर्शन के लिए तरस रहे हैं। हे प्रभु, मुझे मेरे आराध्य श्री राम के रूप में दर्शन दीजिए।
मेरे प्रभु, मेरे श्री राम, मेरे भोले भाले भक्त हनुमान ने निरंतर 7 दिवस तक, जब तक मैं गोवर्धन पर्वत को उठाए रहा, तब तक हनुमान मूसलाधार वर्षा में ही वहीं स्थित रहकर मुझे भक्ति पूर्वक निहारते रहे। इतना ही नहीं, द्वापर युग में भी हनुमान धर्म संस्थापन एवं भक्तों की सहायता आदि कार्य सतत करते रहे। महाभारत युद्ध के विजेताओं को भी युद्ध के पूर्व योग्य एवं अधिक शक्तिशाली बनाने वाले हनुमान ही थे। जब कभी उन्हें शक्ति के अहंकार ने घेरा तो उन्हें उचित मार्ग हनुमान ने ही दिखाया। महाभारत के विजेता अर्थात पांडव बंधु। हाँ प्रिय, मेरे फुफेरे भाई पांडव, उन्हीं के विषय में कह रहा हूं मैं। सर्वप्रथम हनुमान के दर्शन देवराज इंद्र के अंश अर्जुन को हुए थे, जिनके समान धनुर्धर संसार में ना कोई अन्य हुआ और ना ही होगा। वो अर्जुन जो सब्यसाची है, अचूक लक्ष्य भेदन, मात्र लक्ष्य पर ही जिनकी दृष्टि केंद्रित रहती है, शब्द भेदी बाण चलाने में सिद्ध हस्त है, जो योद्धा अर्जुन को देवेश्वर शिवजी ने पशुपतास्त्र प्रदान किया था। महाभारत युद्ध के पूर्व ही अर्जुन को अपनी अद्वितीय धनुर्विद्या के कारण दंभ ने घेर लिया था। शक्ति के साथ यदि दंभ भी आ जाए तो योद्धा के लिए पतन के द्वार खुल जाते हैं। अतः अर्जुन के दंभ को चूर करने के लिए हनुमान को ही सामने आना पड़ा था। तो क्या हनुमान अर्जुन जैसे महायोद्धा के दंभ को तोड़ पाए? ये विशाल सागर, उसकी उताल तरंगे, प्रकृति का इतना सुंदर रूप, रामेश्वरम का ये संपूर्ण क्षेत्र बड़ा ही मनोहारी है। एक बार अर्जुन देश भ्रमण करते हुए रामेश्वरम तीर्थ पहुंच गए थे। संयोग से हनुमान भी वहां उपस्थित थे। अर्जुन के हाव भाव से हनुमान ने भांप लिया था कि अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या के कारण अभिमान हो गया है। अच्छा, तो ये है श्री राम का सेतु जिसे उन्होंने वानरों की सहायता से बनवाया था। किंतु श्री राम तो बड़े धनुर्धारी थे, फिर उन्होंने सहस्त्रों वानरों को इतना कष्ट क्यों दिया? यदि मैं होता तो कुछ ही क्षणों में अपने बाणों से एक सुदृढ़ सेतु का निर्माण करता। अर्जुन जैसे योद्धा की वाणी में ऐसा अभिमान? योद्धा तो तभी विजेता होता है जब शक्ति के साथ साथ उसके व्यवहार में विनम्रता हो, अन्यथा दंभ उसे पतन के अंधकार में धकेल देता है। अर्जुन को भविष्य में प्रभु श्री कृष्ण के साथ मिलकर धर्म की स्थापना के लिए कार्य करना है। इसके लिए इन्हें दंभ के विकार से मुक्त करना ही होगा। Thank you.
अब ये वानर कहां से आ गया मेरे मार्ग को अवरुद्ध करने? क्षमा करें, आप तो बड़े योद्धा प्रतीत हो रहे हैं। जो आपने अभी कहा, क्या वो सत्य है? मैंने? तुमने क्या सुना मेरे मुख से? आप अभी कह रहे थे ना कि आप अपने बाणों से सेतु बना देते हैं। हाँ, ऐसा कर सकता हूं मैं। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि आप ऐसा कर पाएंगे। हाँ, पांडुपुत्र धनुर्धारी अर्जुन ही कदाचित ऐसा कर सकते हैं। वो महायोद्धा हैं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं वो। मैं ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हूं। आप अर्जुन हैं, पांच पांडवों में से एक। अरे वाह, मैं तो धन्य हो गया जो मुझे इस युग के महान धनुर्धर अर्जुन के दर्शन हो गए, जिनके अद्भुत पराक्रम और अचूक लक्ष्य भेदन की कथाएं अभी तक सुनी ही थी मैंने। वो कथाएं सत्य हैं, किंतु तुम कौन हो अद्भुत वानर? अपना परिचय दो। मेरा परिचय? पांडु कुमार, मैं तो एक मात्र साधारण सा वानर हूं। वो तो प्रभु श्री राम का सेतु है, यहां तो कभी कभी चला आता हूं। हम वानरों की स्मृतियां जुड़ी हैं ना इससे, इसलिए। हाँ, वो तो है, किंतु आपने सत्य कहा, आप तो अपने बाणों से ही सेतु का निर्माण कर देते। किंतु क्या तुम्हें कोई संदेह है मेरी धनुर्विद्या पर? नहीं नहीं नहीं, आप तो रामेश्वर महादेव के दर्शन हेतु जा रहे थे ना। आप जाइए, किंतु किंतु ना ना, कुछ नहीं। अरे मेरा क्या है, मैं तो वानर बुद्धि हूं ना, कुछ भी सोचने लगता हूं, किंतु बात तो मन में आ ही जाती है ना। बात क्या है वानर, ये बार बार किंतु परंतु बता कुछ नहीं रहे, क्या बात है? वो क्या है ना, आप तो महान धनुर्धर अर्जुन हैं, जिनके पराक्रम पर संदेह करने वाला तो मूर्ख ही होगा, किंतु मैं मूढ़ बुद्धि वानर। मेरे मन में तुम्हें कोई आशंका है तो कह दो वानर। आशंका? वैसे सत्य है कि आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हैं, आप तो बाणों से सेतु का भी निर्माण कर सकते हैं, किंतु क्या वो सेतु सहस्त्रों वानरों का भार सहने योग्य होता? अच्छा, तो मेरे सर संचालन पर संदेह है तुम्हें। क्षमा क्षमा पांडु कुमार, क्षमा। मैं मूढ़ बुद्धि, भला अर्जुन जैसे महायोद्धा के शर संचालन पर मैं संदेह करने लगा? मैं ये दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? किंतु आशंकाएं तो मन में उमड़ घुमड़ करती ही रहती है ना। फिर भी मुझे आपकी बात पर विश्वास है कि आप अर्जुन ही हैं, और मुझे कोई प्रमाण नहीं चाहिए कि आपके बाणों में ऐसी शक्ति है कि उनसे बनाया हुआ सेतु सहस्त्र वानरों का भार सहने की क्षमता वाला होता है या फिर नहीं। मेरे बाणों से बनाया गया सेतु तुम जैसे सहस्त्र वानरों का भार ही नहीं, बल्कि उनकी उछल कूद भी सहन कर लेता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपने कहा तो मैं मान ही लेता हूं। वैसे प्रमाणित करने की तो कोई भी आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, प्रमाण भी दे सकता हूं मैं, यही इसी सागर तट पर। नहीं नहीं नहीं, किंतु अच्छा उचित है, मन तो बड़ा ही जिज्ञासु होता है ना। अब आप जैसे महायोद्धा के शर संचालन को देखने का लोभ कैसे संवरण कर सकता हूं मैं? क्या सत्य में ही आप कर पाएंगे ऐसा? हाँ हाँ, देखो अभी कुछ ही क्षणों में मैं तुम्हारे नेत्रों के समक्ष ही इस सागर तट पर अपने बाणों से एक सुदृढ़ सेतु का निर्माण करूंगा। मैं तुम्हारे नेत्रों के समक्ष ही इस सागर तट पर अपने बाणों से एक सुदृढ़ सेतु का निर्माण करूंगा। अभिमान मस्तिष्क का ऐसा विकार है जो नेत्र होते हुए भी मनुष्य की देखने की शक्ति को विकृत कर देता है।
उसे दिखाई नहीं देता कि उसे चुनौती देने वाला कौन है। वो स्वयं को सर्वोपरि समझने लगता है, भगवान के समकक्ष मानने लगता है स्वयं को। सत्य कहा द्वारिकाधीश, फिर अर्जुन जैसे महायोद्धा सर्वश्रेष्ठ धनोधर के अभिमान को कैसे तोड़ा हनुमान ने? सर्वप्रथम देखना तो ये है कि अर्जुन बाणों से सेतु का निर्माण कर भी पाए या नहीं। ये सत्य है कि अर्जुन को घमंड ने घेर लिया था, किंतु धनुर्विद्या में कुशल अर्जुन को ज्ञात था कि बाणों को अपनी इच्छा अनुसार कैसे चलाया जाता है। अर्जुन जी, मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है, आप शीघ्र चलाइए ना बाण। मात्र एक ही बाण? अर्जुन जी, एक एक बाण करके सेतु बनाने में तो कई मास लग जाएंगे। अद्वितीय, आपने जो कहा था वो कर दिखाया। अनुपम है आपकी धनुर्विद्या, संसार में आपके समान कोई और धनुर्धारी हो ही नहीं सकता। मैं तो धन्य हो गया ऐसी धनुर्विद्या देखकर। नहीं, ऐसे नहीं, सुदृढ़ कहा था ना तुमने। अब यदि तुम में शक्ति है तो जाओ, इस सेतु को हिलाकर दिखाओ। नहीं नहीं, इतना अद्भुत सेतु बनाया है आपने, कहीं टूट ना जाए। कुछ नहीं होगा इस सेतु को, तुम जाओ प्रयास करो इसे हिलाने का। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं प्रयास करके देख लेता हूँ। केवल हिलाओ ही नहीं, मन भरकर उछल कूद भी कर लो इस सेतु पर। मेरे बाणों का बना हुआ यह सेतु बिल्कुल नहीं हिलेगा। आश्चर्य है, ऐसा कैसे हो गया? मेरे बाणों से बना हुआ सेतु इस वानर के स्पर्श से बिखर कैसे गया? ये गाथा है धर्म के सम्मान की, सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान की। आगे बढ़। ये सब आपस में ही गूंथे रहते हैं ना, इसलिए छोटी सी भी त्रुटि से ये ढह जाता है। आप पुनः प्रयास कीजिए। इस परीक्षण में तो सफल रहा आपका ये बाण सेतु, अब आगे का परीक्षण। अब आगे भी कुछ नहीं होगा, तुम चाहे इस पर कूदो, इस पर नृत्य करो, ये नहीं टूटेगा। अब इस पुल में कोई त्रुटि नहीं होगी।
देखिए आज क्या हो गया है मेरे बाणों को। मैं समझ गया, आप मेरे साथ परिहास कर रहे हैं। आप बना दीजिए ना सुदृढ़ सेतु। आप तो अर्जुन हैं, जग प्रसिद्ध धनुर्धर। मेरी भांति कोई साधारण वानर नहीं है आप। आप एक बार पुनः बनाइए ये कल्पना करके कि इस सेतु पर किसी प्रिय के प्राण टिके हुए हैं। यदि ये सेतु बीच समुद्र में टूट गया तो उसके प्राण जा सकते हैं। फिर देखिए अवश्य ही सुदृढ़ सेतु बन जाएगा। अब ना जाने क्या होने वाला है। हाँ, अब नहीं टूटेगा ये सेतु। ये तो पुनः टूट गया। मेरे बाण इतने शक्तिहीन कैसे हो सकते हैं, जो एक वानर का भार तक नहीं सह पा रहे हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है प्रभु। प्रभु, अर्जुन को तो अभी आपके कृष्णावतार के साथ महायुद्ध में अपना पराक्रम दिखाना है। इस प्रकार तो उनका अभिमान ही नहीं, मनोबल भी टूट जाएगा। फिर वो कैसे महायुद्ध कर पाएंगे। आप सत्य कह रही हैं देवी। मुझे अपने भक्त हनुमान को उचित निर्देश देना होगा। ये क्या, आपके मुखड़े पर निराशा के चिन्ह। आप महायोद्धा हैं, कुंती नंदन हैं, और योद्धा तो कभी भी निराश नहीं होते। प्रयास करने वाले को ही विजयश्री की प्राप्ति होती है। आप पुनः प्रयास कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आपने कहा आप वो कर सकते हैं। गुरुदेव द्रोणाचार्य, आपकी दी हुई शिक्षा की लाज रख लीजिए, ताकि इस बार मैं असफल ना हूं, मेरे बाणों से बना सेतु धराशायी ना हो। अब अर्जुन अभिमान के विकार से मुक्त हुए हैं। अर्जुन की इतनी कड़ी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए हनुमान को। कहीं अभिमान टूटने के स्थान पर उसका आत्मविश्वास ही ना डिग जाए। सेतु हिलते हिलते अकस्मात ही स्थिर कैसे हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सेतु हिलते हिलते स्थिर हो गया और सेतु ने हनुमान का भार भी संभाल लिया। ऐसा सुखद आभास क्यों हो रहा है मुझे, जैसे मेरे प्रभु यहीं कहीं हैं। हे प्रभु, आप यदि यहाँ हैं तो आप ही कोई संकेत दीजिए कि अचानक ये सेतु इतना सुदृढ़ कैसे हो गया, जो मेरे कुछ भी करने पर नहीं टूट रहा। क्या हुआ, रुक क्यों गए वानर महोदय। जितनी इच्छा है उछल कूद करके देख लो, मेरे बाणों से बना हुआ ये सेतु अब नहीं टूटने वाला। अब तो विश्वास हो गया होगा ना तुम्हें कि प्रभु श्री राम की संपूर्ण सेना मेरे इस सेतु पर इस सागर को लांग सकती थी। मेरे समस्त प्रयास विफल हो रहे हैं, सेतु डगमगा तक नहीं रहा मेरे कूदने से। तुमने सत्य कहा था वानर, प्रयास करते रहने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। देखो कितने सुदृढ़ सेतु की रचना कर दी मैंने। ये सेतु मेरे भार से तो नहीं टूट रहा, मुझे थोड़ा और प्रयास कर तोड़ना चाहिए इसे, अन्यथा कहीं अर्जुन का अहंकार पुनः जागृत ना हो जाए। हाँ।
वो आप ही थे जिन्होंने कुर्मा अवतार लेकर अर्जुन के सेतु को संभाल कर उसे गिरने से बचा लिया। हाँ प्रिय, जब मेरे राम अवतार में मेरा, मेरे परिवार का, मेरे समस्त दायित्वों का, रघुकुल के कार्यों का, मेरी सेना का सारा बोझ सदा हनुमान उठाते रहे, तो अब ये मेरा समय था उनका बोझ अपने ऊपर उठाने का। अब कितने भी उछल कूद कर लो वानर महोदय, ये सेतु नहीं टूटने वाला। बड़े अचरज की बात है, सेतु पर मेरी उछल कूद का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। थोड़ा और शक्ति लगाकर देखता हूं। अर्जुन द्वारा रचित इस सेतु की इस दृढ़ता से तो मैं भी अचंभित हूं। क्यों, अब बोलो, क्या मेरा बना हुआ सेतु प्रभु श्री राम और उनके सैनिकों द्वारा बनाए गए सेतु से अधिक स्थिर, अधिक सुदृढ़ नहीं है? जब से मुझे प्रभु की उपस्थिति का आभास हुआ है, तभी से यह सेतु अचानक टूटने के स्थान पर अड़िग हो गया। कहीं हाँ वानर महोदय, जल में डुबकी लगाकर भी इसका निरीक्षण कर लीजिए आप, मुझे विश्वास है तब भी इसे इतना ही सशक्त पाएंगे। कच्छप, तो स्वयं प्रभु ने ही कच्छप रूप में पांडव श्रेष्ठ अर्जुन का सेतु अपने ऊपर संभाल रखा है। मेरे प्रभु श्री राम कुर्मा अवतार लेकर आए हैं यहां, प्रणाम प्रभु। कैसा मूड मती हूं मैं, ये मैं क्या कर बैठा? इस सेतु को तो प्रभु ने अपने पृष्ठ पर टिका रखा है और मैं उस पर अपने संपूर्ण भार के साथ उछल कूद कर रहा था। कितना कष्ट दिया मैंने प्रभु को। प्रभु, मेरे प्रभु, हे प्रभु श्री राम, इस रूप में पुनः आपके दर्शन प्राप्त कर आपका ये भक्त धन्य हो गया प्रभु। किंतु मेरा दुर्भाग्य है प्रभु कि मेरे कारण आपको इतनी पीड़ा हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। कोई बात नहीं हनुमान, तुम तो मेरे परम भक्त हो और भगवान को अपने भक्तों का बोझ उठाने में आनंद ही आता है, और फिर पीड़ा कहां हुई मुझे? मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा तन सहला दिया। किंतु प्रभु, आपने इतना कष्ट उठाया ही क्यों? यदि मुझसे कुछ अनुचित ही हो रहा था तो आप मुझे मात्र एक संकेत ही दे दिए होते, मैं तो उसी क्षण रुक जाता प्रभु। यहां आपके इस हस्तक्षेप का कारण नहीं समझ सका मैं। हनुमान, ना ही तुमने कुछ अनुचित किया है और ना ही तुमने कोई भूल की है। अर्जुन का अभिमान खंडित करना अति आवश्यक था, किंतु उसके साथ उसका आत्मविश्वास स्थापित रखना भी तो आवश्यक था, क्योंकि आगामी काल में धर्म युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाना ही उसकी नियति है। मैं समझ गया प्रभु, अब मैं आपको ना ही कोई कष्ट होने दूंगा और ना ही कोई चिंता। अब आप अर्जुन को लेकर निश्चिंत हो जाइए प्रभु, मैं उनके आत्मविश्वास को कदापि ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। तुम्हारा कल्याण हो हनुमान। प्रणाम प्रभु, मैं आपका आशय पूर्ण रूप से समझ गया हूं।
दंभ विनाश का सूचक है, किंतु आत्मविश्वास के बिना मनुष्य अपनी नियति को कभी नहीं पा सकता। धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन का आत्मविश्वास स्थिर रहना अति आवश्यक है। क्यों वानर जी, कर लिया नीचे से भी निरीक्षण? अब तो मेरे पराक्रम को लेकर तुम्हारे मन में कोई संदेह तो शेष नहीं रहा होगा ना? हाँ श्रेष्ठ धनुर्धारी महायोद्धा अर्जुन, आपने अपनी धनुर्विद्या के ज्ञान को प्रमाणित कर मेरे समस्त संदेह मिटा दिए। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मेरे जैसे एक तुच्छ वानर को संतुष्ट करने के लिए इतना श्रम किया। आभारी तो मैं भी हूँ आपका वानर महोदय, मुझे ये समझाने के लिए कि कभी कभी मेरे बाण विफल भी हो सकते हैं, इसलिए मुझे और सचेत रहने की आवश्यकता है। किंतु अंततः आप विफल नहीं हुए ना? अंत भला तो सब भला अर्जुन जी। हाँ, किंतु हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि आत्मविश्वास से किया हुआ कार्य हमेशा सफलता की ओर ले जाता है, तो अति विश्वास हमें संकटों के मुख में धकेल सकता है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए और आप जाकर रामेश्वरम महादेव के दर्शन कीजिए। मुझे विश्वास है आपके पराक्रम से प्रभावित होकर उनकी कृपा दृष्टि आप पर अवश्य पड़ेगी और उनका अंश अवश्य समय पड़ने पर जीवन में एक बार आपकी सहायता के लिए अवश्य प्रस्तुत होगा। ये विचित्र वानर महोदय कौन थे और वो अभी मुझसे क्या कह गए? किसी आगामी संकट की सूचना दे गए अथवा उनके इन शब्दों में उस संकट से रक्षा का आशीष नहीं था? प्रणाम देवकी नंदन, आप यहाँ कैसे? क्या करूं धनुर्धारी अर्जुन, विवश होकर आना ही पड़ा, अन्यथा आपका ये सेतु टूटकर बिखर जो जाता। मुझे कूर्मा अवतार धारण कर सेतु को अपने पृष्ठ पर स्थित करना पड़ा, तब जाकर संभला है आपका ये सेतु। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? अर्थात मेरे बाण इतने शक्तिशाली भी नहीं कि एक साधारण वानर का भार संभाल सके? साधारण प्रिय अर्जुन, जिसे आप साधारण वानर समझ रहे हैं वो स्वयं हनुमान है। प्रभु श्री राम भक्त हनुमान? हाँ अर्जुन, आपके मन में छाए अहंकार को ही तोड़ने आए थे वो, और मेरे कहने पर यहां से चले गए, क्योंकि मैं आपके आत्मविश्वास को टूटते हुए नहीं देखना चाहता था। अहंकार वश मैं उनका वास्तविक परिचय नहीं पा सका, उनका उचित अभिवादन कर उनसे आशीष नहीं प्राप्त कर सका, मैं भगवान हनुमान को नहीं पहचान सका। हृदय छोटा मत कीजिए प्रिय अर्जुन, जहां तक कि मुझे ज्ञात है हनुमान आप सभी से उन्हें अवश्य भेंट करेंगे, तब आप अपने हृदय की ये इच्छा भी पूर्ण कर लीजिएगा। प्रभु, आज मैंने हनुमान जी से विनम्रता का बहुत बड़ा पाठ सीख लिया। शक्ति तभी सुहाती है जब उसका उपयोग विनम्रता के साथ किया जाए, ये आज मैं भली भांति जान गया हूँ। हे प्राणवल्लभ, तो क्या अर्जुन को उचित मार्ग दिखाने के बाद विनम्रता का पाठ पढ़ाने के पश्चात भी हनुमान जी उनसे पुनः मिले? हाँ देवी, मात्र अर्जुन से नहीं, इस बार वो
पांचों पांडव भ्राताओं से मिले, किंतु उनकी ये भेंट इस बार अर्जुन के कारण नहीं अपितु गदाधारी महाबली भीम के कारण हुई थी। महाबली भीम के कारण? हाँ प्रिय, वही महाबली भीम जिनका तन अत्यंत बलिष्ठ था। जिनके पग धरने से ही धरती थर्रा उठे। जिनकी भुजाओं में 10 सहस्त्र गज का बल समाता हो। प्रकृति भी पराजित होगी महाबली भीम के पराक्रम से। ज्वालामुखी में होगी अपार शक्ति और ऊर्जा, किंतु भीम भी किसी से कम नहीं। अपनी भुजाओं में उठाकर इस टीले को, इस ज्वालामुखी से रक्षा करूंगा इन निरीह प्राणियों की, प्रमाणित कर दूंगा अपने अपार बल को। अब तुम सुरक्षित हो, जाओ, महाबली भीम तुम्हें भयमुक्त करता है। भैया की इच्छा को पूर्ण होने में अब कोई विलंब नहीं होगा। मैं महाबली भीम यथाशीघ्र स्वर्ग से पुरुष मृग लेकर आऊंगा। मैं तो एक शुभ कार्य के लिए जा रहा था और ये पूछ मेरे मार्ग में आ गई। इसे लांग कर जाना तो अशुभ होगा। ओ अबोध वानर, इस प्रकार मार्ग में निद्रामग्न होकर कोई विश्राम करता है क्या? चलो उठो, और यदि यहां विश्राम कर रहे हो तो अपनी पूछ से संपूर्ण मार्ग को अवरुद्ध करना सर्वथा अनुचित है, इसलिए मैं शांतिपूर्वक कह रहा हूं, अपनी पूछ को अपने पास खींच लो। क्षमा करें, वृद्धावस्था है ना मेरी, इसलिए जहां शक्ति चूक जाती है वहीं पड़ जाता हूं। अब इस वृद्ध शरीर में इतनी शक्ति कहां है कि अपने इस लंबी पूछ को संभाल सके। कृपया आप ही मेरी इस पूंछ को हटाकर आगे बढ़ जाइए। मैं भैया की आज्ञा पालन करने के लिए स्वर्ग जाने की शीघ्रता में हूँ। क्या मैं इस वृद्ध वानर की पूंछ उठाता फिरूं? नहीं नहीं, मुझे इस वृद्ध वानर की पूंछ पर प्रहार नहीं करना चाहिए, ये क्षत्रिय धर्म के अनुकूल नहीं। में तो अद्भुत शक्ति है, ऐसी अपार शक्ति वाले अवश्य ही कोई विलक्षण योद्धा होते हैं। मुझे तो भय है कि कहीं आप इस वृक्ष की शाखा से मेरी पूंछ के साथ मुझे ही मार्ग से ना हटा दें। शरीर से बलशाली हूँ तो बुद्धिमान भी हूँ, और वैसे भी तुम जैसे वृद्ध वानर को चोट पहुँचाना मेरा आशय नहीं। मैं तो बस
तुम्हारी पूंछ को अपने मार्ग से हटाऊंगा। वानर, तुम किसी माया का प्रयोग तो नहीं कर रहे हो ना? ये आप कैसा लालचन लगा रहे हैं इस तुच्छ वृद्ध वानर पर? और वैसे भी आपके ऊपर कौन सी माया कार्य कर सकती है? हाँ, किंतु यदि आपका बलशाली प्रतीत होने वाला तन आपके दुर्बल और शाखा के समान ही भीतर से अशक्त है, तो फिर वो तो अन्य बात है ना? बड़े ही दुख की बात है, आजकल के नवयुवकों की दशा क्या हो गई है। ऊपर से तो इतने बलशाली प्रतीत होते हैं, किंतु भीतर से होते हैं शक्तिहीन। पुत्र, तुम्हें उचित भोजन तो प्राप्त होता है ना? कहीं उसमें तो कोई अभाव नहीं है ना? बस वृद्धवानर, बस। अपनी पूंछ हटाने में असमर्थ हो तो अपनी जिह्वा पर भी नियंत्रण रखो। ज्ञात है तुम्हें कि तुम किससे बात कर रहे हो? विचित्र युग है ये, जो दिखता है वो तो होता नहीं, और जो होता है उससे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो फिर मैं कैसे ज्ञात करूं कि आप कौन हैं? वृद्धवानर, तुम बार बार अपने अनुपयुक्त शब्दों से मेरी अवमानना कर रहे हो। ध्यान से देखो मुझे, मैं पांडव भ्राताओं में से एक हूँ, महाबली गदाधारी भीम हूँ मैं। कैसा दुर्भाग्य है मेरा, स्वयं महापराक्रमी महाबली गदाधारी वीर पांडव भीम मेरे समक्ष हैं, और मैं वृद्ध वानर उचित प्रकार से उनका अभिवादन भी करने में असमर्थ हूँ। किंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हें? आप जाने दीजिए, कुछ कहूंगा तो आपको अपनी अवमानना प्रतीत होगी। यदि ऐसा था तो पूर्व में ही अपने जीवा पर नियंत्रण रखना था। आधी बात कह चुके हो तो कही डालो। दिखने में तो आप महाबली भीम जैसे हैं, किंतु आपके कर्म उनके समान नहीं हैं। मैं उनकी जिस शक्ति की चर्चा सुनता रहा हूँ वो तो आप में है ही नहीं। उसके विपरीत मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई साधारण व्यक्ति हैं आप, जो माया से महाबली भीम का रूप धरकर इस वृद्ध वानर के इन नेत्रों को छलने का प्रयास कर रहे हैं। वृद्ध वानर, तुम महाबली भीम पर संदेह कर रहे हो? अवश्य तुम्हारे नेत्र वृद्धावस्था के कारण क्लांत हो चुके हैं, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। मैं वही भीम हूँ जिसके चलने से धरती कंपित हो उठती है। मैं वही भीम हूँ जिसके सामने कोई भी शत्रु टिक नहीं पाता। मैं वही भीम हूँ जिसके सामने बड़े से बड़ा योद्धा एक क्षण भी टिक नहीं पाता। मैं वही भीम हूँ जिसने जरासंध जैसे योद्धा को दो भागों में विभक्त कर दिया। तो यही उचित समय है भीम के अहंकार और अभिमान को समाप्त करने का। अच्छा, मैं मान लेता हूँ, आप पांडवों के मंझले भ्राता भीम ही हैं, किंतु आप मेरी पूंछ को क्यों नहीं हटा पाए? चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी अपार शक्ति भी व्यर्थ हो जाती है। आप ऐसा कीजिए, अपना मार्ग परिवर्तित कर लीजिए। मैं तो ठहरा वृद्ध और जो शक्त वानर, मैं अपनी पूंछ कैसे हटा सकूंगा जब आप जैसा महाबली उसको नहीं हिला पा रहा है? मुझे ज्ञात नहीं वानर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु मुझे अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। सहस्त्रों गज का बल समाता है मेरी इन बलशाली भुजाओं में। अब देखो मैं तुम्हारी पूंछ किस प्रकार हटाता हूँ मेरे मार्ग से। बड़ी विचित्र पूछ है इस वानर की, लौह के समान कठोर, स्थूल काय और भारी भी है ये।
वानर, क्या तुम शिलाओं का भोजन करते हो? तुम्हारी पूंछ इतनी भारी हो गई है कि मेरे कुछ भी करने पर हिल तक नहीं रही। नहीं महाबली भीम, मैं तो केलों का भोजन करता हूँ। ये स्वादिष्ट भी होते हैं और इनसे शक्ति भी प्रदान होती है। आप भी मुझसे कुछ केले लेके खा लीजिए, कदाचित इनसे ही आपको कोई शक्ति प्राप्त हो और आप इस वृद्ध वानर की पूंछ को हिला सके। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो वानर, अवश्य ही तुम कोई साधारण वानर नहीं हो, मायावी हो। तुम्हें वृद्ध और लाचार मानकर मैंने सबसे बड़ी भूल की है। आप मुझ पर इस निरीह वानर पर आरोप क्यों लगा रहे हैं महाबली? आपसे मेरी पूंछ नहीं हिल रही है तो आप अपना क्रोध मुझ पर निकाल रहे हैं। आप मेरा सुझाव मानिए, क्रोध त्याग दीजिए और आगे बढ़ने का कोई अन्य उपाय ढूंढ लीजिए। वानर, मेरा विश्वास है कि प्रत्येक जीव में, तुम्हारे जैसे वृद्ध और शिथिल वानर में भी ईश्वर का वास है। इसलिए तुम्हारी पूंछ को लानकर मैं ईश्वर का अपमान नहीं करना चाहता था। अन्यथा जैसे राम भक्त हनुमान जी सागर को लांघकर लंका पहुंच गए थे, उसी प्रकार तुम्हें तो क्या, इस संपूर्ण वन को लांघकर चला जाता मैं। हनुमान, ये आप किसकी बात कर रहे हैं महाबली भीम? वानर होते हुए भी तुमने वानर श्रेष्ठ हनुमान जी का नाम नहीं सुना? वो तो संपूर्ण सृष्टि में वानर युक्ता मुखम श्री राम दूतम हनुमान के नाम से प्रख्यात हैं। श्री राम के महानतम भक्त पवनदेव उन्हें अपना पुत्र मानते हैं, इसलिए वो मेरे भी अग्रज समान हुए। अच्छा, होंगे, किंतु मैंने तो किसी के भी मुख से उनका नाम नहीं सुना। आश्चर्य है, तुम्हें नहीं ज्ञात? महानतम कवियों ने उनके चरित्र पर अनेक ग्रंथों की रचना की है। उनके ही समान मेरे बल का यशगान करने के लिए अनेकों कवियों ने अपनी रचनाएं रच दी हैं। अब तो तुम्हें मेरा पूर्ण परिचय प्राप्त हो ही गया है, तो हटाओ अपने इस मायावी पूंछ को और मुझे आगे बढ़ने दो, अन्यथा विवश होकर मुझे तुम्हें लांघना ही होगा। ये उचित उपाय है, आप लांघ कर ही चले जाइए। ये कैसी माया है, अब तो ये पूंछ विशाल आकार लेकर इसे लांघने में भी बाधा उत्पन्न कर रही है। वानर, तुम महाबली भीम से मायावी क्रीड़ा करने का दुस्साहस कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो कोई भी क्रीड़ा नहीं कर रहा, मैं तो विवश हूँ। मेरी पूंछ कठोर ही नहीं अत्यंत हठी भी है, उसे समझाने या नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ मैं। किंतु आप तो सामर्थ्यवान हैं, तो आप मेरी पूंछ को क्यों नहीं लांग रहे हैं? छली वानर, अब तो मैं महाबली भीम की वास्तविक शक्ति से परिचित कराना ही होगा। ये पूंछ इतनी विशालकाय कैसे हो गई? तो स्वामी, इतनी बार असफलता का सामना करने के पश्चात तो भीम समझ ही गए होंगे कि उनका सामना किसी साधारण मानव से नहीं, अपितु दिव्य और बलशाली असाधारण व्यक्तित्व से हो रहा था। नहीं सत्यभामा, सहस्त्रों गज के समान बलशाली भीम का हट भी सहस्त्रों गज के समान ही था। छोड़ दीजिए, अब मुझे ज्ञात हो गया, वो सब मिथ्या था जो तुमने मुझे सुनाया। ना ही हनुमान नाम का कोई असाधारण वानर है और ना ही तुम पांडवों के मंझले भ्राता महाबली भीम हो। ला
डांग गिरी देखे कपिराई, भीम पूछ पर लांग नहीं पाई। कूदते फांदते श्वास भर आई, स्वेद बूंद मस्तक पर छाई। लीला महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। वानर श्रेष्ठ, हनुमान की बात कर रहे थे ना तुम, जिन्होंने सागर लांग दिया था? उनके अनुज बुला रहे थे अपने आप को, कह रहे थे महाबली भीम हो तुम, किंतु तुम तो मेरी पूछ तक भी नहीं लांग सके। मेरी शंका उचित ही थी, जो तुम दिखाई देते हो वो तुम हो नहीं। फिर कौन हूं मैं? ये तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु तुम जो भी हो, मैं तुम्हारे मेरे मार्ग की बाधा बनने नहीं दूंगा। लांग कर नहीं जा सकता तो ना सही, मैं तुम्हारी परिक्रमा करके आगे बढ़ जाऊंगा। इसका यह अर्थ नहीं कि मैंने तुमसे पराजय स्वीकार कर ली है, किंतु इसलिए कि मुझे अपने कार्य में विलंब हो रहा है। और वैसे भी तुम जैसे वृद्ध वानर से उलझकर व्यर्थ गंवाने के लिए समय नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, आप ये भी प्रयास करके देख लीजिए, आप मेरे पीछे से होकर क्यों नहीं चले जाते? परिक्रमा जब हूँ भीम ने चाहा, तब हूँ कपि आकार बढ़ाया। भीम जदेखी दौड़ लगाई, मंद मंद हंसते कपिराई। भीम श्वास की गति से भागे, दीर्घ मार्ग बचा है आगे। भीम अहम मिट्टी मह मिलाई, जय हनुमंता जय कपिराई। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आप कोई साधारण वानर नहीं है, इसका आभास तो मुझे हो गया था। मैं आपको कोई मायावी यक्ष या गंधर्व समझ रहा था, परंतु मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया है, आप कोई देव हैं जो मेरी परीक्षा लेने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। मुझ पर बड़ी कृपा होगी जो आप अपना वास्तविक रूप मुझे दिखाएंगे। प्रभु, आप मुझे अपना वास्तविक परिचय दीजिए। साक्षात राम भक्त हनुमान जी, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। मैं तो बाल्यकाल से ही आपको अपना उदाहरण मानकर आपके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया है। मेरे अग्रज, कितना मूर्ख हूं मैं, कितना दुष्ट हूं जो मैं आपको नहीं पहचान सका। मेरी मति मारी गई थी जो आपके समक्ष अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहा था। मेरे भ्रम, मेरे अहंकार को मिटाने के लिए कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम। अहंकार त्यागने से तो तुम्हारा सदैव कल्याण होगा महाबली भीम। मुझ पर इतनी कृपा कीजिए प्रभु, आपके जिस रूप की कल्पना मैं वर्षों से करता रहा हूँ, मुझे अपने उसी रूप में दर्शन देकर मुझे आशीर्वाद देने की कृपा करें प्रभु। मेरा वो मुख तो त्रेता युग के अनुरूप था, इस द्वापर युग में
उस रूप को यदि मैंने धारण कर भी लिया तो तुम मेरे उस विकराल रूप के दर्शन नहीं कर सकोगे महाबली भीम। प्रभु, आपके उस विकराल रूप के दर्शन पाकर मेरा अंत भी हो गया तो उससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। अपने अनुज का अनुरोध समझकर मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए हनुमान जी। उचित है महाबली भीम। जय श्री राम। ये गाथा है धर्म के सम्मान की, सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान की। अपनी शक्ति और अपने व्यवहार दोनों से ही मैंने आपको निराश किया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ हनुमान जी। किंतु मैं तो तुमसे तनिक भी निराश नहीं हूँ। अभी तो तुम्हारी अपार शक्ति और निश्चय की दृढ़ता से अत्यंत प्रभावित हूँ। तुमने सभी असफलताओं के बाद भी अपने निरत प्रयत्नों से ये प्रमाणित कर दिया कि तुम सहजता से पराजय स्वीकार करने वालों में से नहीं हो। किंतु तुम ये सदैव स्मरण रखना कि भूल से भी जागृत हुए अहंकार का त्याग करना अति आवश्यक है। हनुमान जी, अपने इस भूल के लिए मैं बहुत ही लज्जित हूं। आप विश्वास रखिए, आपने मुझे जो सीख दी है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्रभु, नहीं, तुमने तो स्वयं कहा था कि मैं तुम्हारा अग्रज हूं, तो तुम मुझे भ्राता बताकर ही संबोधित करो। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रत्येक कार्य में सफल होने का और आगामी धर्म युद्ध में अपने सभी विरोधियों को सफलतापूर्वक पराजित करने का आशीर्वाद देता हूँ। हनुमत भीम को बोले, भाई आगे बढ़ के हृदय से लगाई ऊर्जा आशीष रूप प्रदान, जग मह तुम सो को हनुमाना। ये गाथा बाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 बाबली हनुमान। संकट मोचन महाबली, मुझे शक्ति प्रदान करने के लिए और सफलता का आशीष देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ उसको सार्थक करने में आपका आशीष मेरा परम सहायक बनेगा। मैंने युधिष्ठिर भैया को वचन दिया है, मैं पुरुषमृग को स्वर्ग से धरती पर लेकर आऊंगा। पुरुषमृग? महाबली भीम, पुरुषमृग को कैसे ले जा पाओगे तुम? तुम्हें ज्ञात भी है कौन है पुरुषमृग? ये तो मैं नहीं जानता हनुमान जी। मैंने अपनी शक्ति के अहंकार में भैया को वचन दे दिया था, अब उस वचन को निभाने के लिए समस्त प्रयास करना अनिवार्य है। किंतु आपसे एक निवेदन है, जिस प्रकार आपने मुझे मेरे अहंकार से बाहर निकाला उसी प्रकार इस कार्य को पूर्ण करने में आप मेरी सहायता कीजिए। ये कार्य तो मेरे लिए भी अत्यंत कठिन है महाबली भीम, क्योंकि अर्ध मनुष्य और अर्ध पशु पुरुष मृग को संभालना कदाचित असंभव ही है। मन की गति से भी तीव्र वेग से चलने की क्षमता है उनकी। जहां उनके चरण पड़ते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। धर्म के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा और आस्था है। परम शिव भक्त होने के कारण जहां भी शिवलिंग देखते हैं बिना पूजा किए आगे नहीं बढ़ते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अत्यंत अद्भुत है वो। अद्भुत तो है किंतु उनसे एक
भयंकर बात भी जुड़ी हुई है। वो पुरुष का भोजन करते हैं और पल भर में किसी भी पुरुष को अपना आहार बना सकते हैं। मुझे आशंका है कि कहीं तुम उन्हें लेने जाओ और वो तुम्हारे साथ इंद्रप्रस्थ जाने के लिए अपनी स्वीकृति भी दे दें, किंतु स्वर्ग से बाहर आते ही वो तुम्हें ही अपना आहार न बना ले। हनुमान जी, अब आपका आशीष पाने के बाद मुझे किसी बात का भय नहीं। चिंता तो बस युधिष्ठिर भैया को दिए हुए वचन की है। यदि मैं उस वचन को नहीं निभा पाया तो पुरुष मृग का आहार बनना ही मेरे लिए उचित होगा। नहीं अनुज, अब जब तक तुम्हारा अग्रज तुम्हारे साथ है, ऐसी स्थिति कदापि उत्पन्न नहीं होगी। तुम निःसंकोच स्वर्ग जाकर पुरुष मृग को इंद्रप्रस्थ जाने के लिए आमंत्रित करो। उसके आगे की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। हनुमान जी, मैं आपका साथ पाकर कृतार्थ हुआ। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। कल्याण हो। अर्थात हनुमान जी ने महाबली भीम को उनके अहंकार से ही नहीं मुक्त किया, उनके कार्य में भी सहायक बने। जगत के सभी संकट हरने वाले संकट मोचन है हनुमान, फिर भला अपने अनुज को कैसे छोड़ देते हैं। हनुमान को भली भांति ज्ञात था कि पुरुष मृग अत्यंत शक्तिशाली एवं वेगवान है। उनसे रक्षित रहना या किसी की उनसे रक्षा करना अत्यंत कठिन कार्य है। इससे देवलोक के देवता भी भली भांति परिचित थे। फिर जब भीम देवलोक पहुंचे तो ये तुमने कैसा वचन दे दिया पुत्र, जो तुम्हारे प्राणों को ही संकट में डाल देगा। आप तो मेरे पिता समान हैं पवनदेव, आपको तो ज्ञात ही होगा मेरे बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर के वचन को पूर्ण करना मैं अपना धर्म समझता हूँ। इसलिए उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैंने कुछ भी सोचना विचारना उचित नहीं समझा। पुत्र, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने प्राण व्यर्थ में ही गवा दो। पुरुष मृग दिव्य है, पवित्र है, किंतु उनको साधना अत्यंत संकटमय है। हे देव, जब मेरे अग्रज मेरे सहायक हैं तो भला मुझे किसी संकट की क्या चिंता। मुझे स्वयं वानर श्रेष्ठ प्रभु श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र कहलाए जाने वाले हनुमान जी ने आश्वस्त किया है कि वो मुझे इस कठिन कार्य में सफलता दिलाने के लिए वे मेरे सहायक बनेंगे। उचित है भीम, यदि स्वयं हनुमान तुम्हारे रक्षक हैं तो मैं तुम्हें पुरुष मृग के निकट ले जाऊंगा। किंतु स्मरण रखना पुत्र, स्वर्ग लोक में तो सब भूख और प्यास दोनों से ही मुक्त रहते हैं, इसलिए यहाँ तो तुम सुरक्षित हो, किंतु स्वर्ग लोक से बाहर जाते ही उनकी भूख पुनः जागृत हो उठती है और फिर वो अपना आहार ढूंढने लगते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो रहे पुरुष मृग। ओम नमः शिवाय। जाओ महाबली भीम, किंतु अपनी सुरक्षा के लिए सचेत रहना। हे महान शिव भक्त, भीम का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं आपको महल ले जाने के लिए आया हूँ, ताकि आपके चरण हमारे महल पर पड़े और वो धन्य हो जाए। तुम स्वयं अपनी मृत्यु के मुंह में प्रवेश करना चाहते हो क्या? तुम्हें ज्ञात है ना मेरा भोजन क्या होता है? पुरुष। और तुम्हारे शरीर की तो कदकाठी भी उत्तम है, तुम्हें अपना आहार बनाने में मुझे बहुत आनंद आएगा। आप मुझे अपना आहार भी बना ले तो भी मेरा निश्चय अटल है, मैं तो आपको लेकर ही जाऊंगा। तुम्हारा साहस तो प्रशंसनीय है,
मैं उसकी सराहना करता हूँ। मेरे साहस का एक स्रोत और भी है, जिसके कारण मेरा आत्मविश्वास चरम पर है। मेरे आत्मरक्षक, मेरे संकट मोचक। भोले बाबा, आप ध्यान मग्न अवश्य हैं, किंतु आपसे कुछ कहाँ छिपा है? अपने रुद्रांश को आशीष दीजिए कि मैं पुरुष मृग को स्वर्ग से इंद्रप्रस्थ ले जाने के दुष्कर कार्य में अपने अनुज भीम को सफलता दिला सकूं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए भोले बाबा। हनुमान जी के ही समान तुम्हारी सच्चाई और कार्यनिष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा वचन पूर्ण करने का एक अवसर अवश्य दूंगा। परंतु स्वर्ग से बाहर जाते ही तुम्हें मुझसे भी तीव्र गति से चलकर मुझसे पूर्व इंद्रप्रस्थ पहुंचना होगा, क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं कर सके तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, अन्यथा तुम्हारे भ्राता की इच्छा पूर्ण करूंगा। स्वीकार है तो रुको, अन्यथा अपने प्राणों की रक्षा हेतु उल्टे पांव चले जाओ यहां से। मेरे तुम्हारी ओर मुड़ने तक का समय तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास विचार कर निर्णय लेने का, या तो उसके पूर्व ही यहां से चले जाना, अन्यथा मैं समझ लूंगा तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार है। बुद्धिमान है, चला गया, अन्यथा उसकी मृत्यु तो निश्चित थी। आपकी आज्ञा हो तो आरंभ करें पुरुष मृग जी। अपनी मृत्यु का स्वागत पुष्पों से मत करो भीम, अभी तो शीघ्र स्वर्ग के मुख्य द्वार तक पहुंचो, क्योंकि मेरे वहां पहुंचते ही हमारी प्रतिस्पर्धा आरंभ हो जाएगी। उचित है, तो मुझे आज्ञा दीजिए पुरुष मृग जी। स्मरण रहे, यदि मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारे समान स्वस्थ और भरे हुए शरीर को अपना भोजन बनाकर अत्यंत आनंदित हो जाऊंगा मैं, इसीलिए मुझसे दया की कोई आशा मत रखना। किंतु महल पहुंचने पर आप किसी को अपना आहार तो नहीं बनाएंगे ना? मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मेरे द्वारा तुम्हें अपना आहार बनाने के पूर्व इंद्रप्रस्थ पहुँच गए तो मुझसे भय की कोई बात नहीं, तब मैं किसी भी पुरुष को अपना भोजन नहीं बनाऊंगा। तो उचित है पुरुष मृग जी, मैं अपनी यात्रा आरंभ करता हूँ। जय बजरंग बली। फिर क्या हुआ ना? फिर प्रारंभ हुई प्रतिस्पर्धा, महातेजस्वी पुरुष मृग और महाबली भीम के मध्य। हनुमान जी, आपसे विश्वास पाकर मैंने पुरुष मृग जी की चुनौती स्वीकार कर ली है, अब आगे की यात्रा में मेरा मार्गदर्शन आप ही कीजिए प्रभु। ये तो इतने अल्प समय में यहाँ तक पहुँच गए, मेरे निकट पहुँचने में कुछ भी समय नहीं लगेगा इन्हें। किंतु हनुमान जी कहाँ हैं? कैसे सहायता करेंगे वो मेरी? हनुमान जी, मेरी रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए मेरी प्रभु, कहाँ है मेरे अग्रज? चिंता मत करो भीम, मैं हूं ना। ये हनुमान जी क्या करने की चेष्टा कर रहे हैं? कैसे रक्षा करेंगे ये भीम की? मुझसे स्पर्धा करने चले थे भीम, अब देखो कैसे मैं तुम्हें अपना भोजन बनाता हूँ। ये तो मेरे सामने ही आ गए, हनुमान जी ना जाने कहाँ हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
तुम नहीं बच पाओगे भीम। ओम नमः शिवाय। यह अकस्मात शिवलिंग हमारे मध्य में कैसे आ गया? हनुमान जी मेघों के मध्य, बेलपत्र हनुमान जी के हाथों में। परम शिव भक्त होने के कारण पुरुष मृग जहां भी शिवलिंग देखते हैं बिना पूजा किए आगे नहीं बढ़ते। हनुमान जी आप अतुलित बल के धाम ही नहीं, बुद्धि विवेक और विज्ञान के निधाना भी हैं। क्या युक्ति लगाई आपने, आप सत्य में जगत के संकट मोचन हैं। अब खड़े क्यों हो भीम, आगे जाओ। हाँ हनुमान जी, अब एक क्षण के लिए भी मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, अविलंब मुझे महल तक पहुँचना ही होगा। तुम्हें क्षण भर में पकड़ लूंगा मैं। ये दहाड़ तो पुरुष मृग की प्रतीत होती है, हमें उनके स्वागत के लिए तत्पर रहना होगा। किंतु भ्राता, सुना है कि पुरुष मृग को स्वर्ग से बाहर लाना बहुत ही कठिन है, कहीं कोई अनर्थ ना घट जाए। हाँ अर्जुन, प्रार्थना करो भीम उन्हें सकुशल यहां तक लाने में सफल हो। पुरुष मृग ने तो अपनी गति और तीव्र कर दी है। हनुमान जी कुछ कीजिए, ये पुनः मुझ तक पहुंच रहा है, कुछ कीजिए संकट मोचन। चिंता मत करो भीम, मेरे अनुज हो तुम, मैंने तुम्हें वचन दिया है तुम्हारा कोई अहित नहीं होने दूंगा मैं। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। युक्ति अनोखी कपीश लगाए, भीम पुरुष मृग हाथों बचाए। मार्ग मह कपि बेल पत्र गिराए, पूजा मह पुरुष मृग उलझाए। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भीम तो इंद्रप्रस्थ पहुंचने को है, किंतु प्रभु की पूजा नहीं छोड़ सकता मैं। ओम नमः शिवाय। रुकना मत भीम, यही अंतिम अवसर है, इच्छा शक्ति को और दृढ़ करो। दृढ़ इच्छा शक्ति ही विजय का आधार होती है। अब तो बेलपत्र भी नहीं बचे हैं, अब ये स्पर्धा सिर्फ तुम्हारी है। सोचो, तुम्हें स्वयं के लिए यह स्पर्धा विजित करनी है या अपने प्रियजनों के लिए? महल के इतने निकट आकर क्या मैं असफल हो जाऊंगा? नहीं, मुझे सफल होना है, अपने लिए ना सही तो अपने भ्राताओं के लिए। भीम तुम कर सकते हो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आगे बढ़ो मेरे अनुज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस भीम, कुछ दूरी और शिखरता करो पुत्र। न जाने भीम भैया सफल हो पाएंगे भी या नहीं पुरुष मृग को यहाँ तक लाने में। भीम, इंद्रप्रस्थ नहीं पहुंचने दूंगा मैं तुम्हें। हाँ।
तुम परास्त हुए भीम। वचन के अनुसार अब तुम भोजन बनोगे मेरा। तुम्हारे सुदृढ़ देह ने बहुत ललचाया है मुझे। अब तुम्हें खाकर उतना ही आनंद आएगा। स्मरण योग्य होगा मेरा आज का ये भोजन। पुरुष मृग ने तो पकड़ लिया भीम को। ना जाने क्या होने वाला है। ये गाथा है धर्म के सम्मान की। सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान की। किसी की क्षमता को जाने बिना उससे प्रतिस्पर्धा करने का परिणाम अहितकारी भी हो सकता है।